शिमला जिला के रामपुर आसपास कोरोना मरीजों की संख्या में तेजी से इजाफा होने लगा है। दो दिनों में ही 3 कोरोना संक्रमित लोगों की मौत हुई है। रामपुर थाना, यूको बैंक समेत आसपास के कुछ संस्थानों को कर्मचारी कोरोना संक्रमित होने के कारण सील कर दिया गया है। रामपुर क्षेत्र में मार्च के बाद अब तक 4000 से अधिक लोगों का कोरोना टेस्ट किया गया है। अभी क्षेत्र में कोरोना के एक्टिव केस 140 केस हैं। इनमें 128 लोग घरों में आइसोलेट हैं, जबकि 12 लोगों को संस्थागत क्वारंटीन सेंटर में रखा गया है। चिकित्सकों ने लोगों से अपील की है कि शादी समारोह अन्य सामाजिक कार्यक्रमों में सरकार द्वारा निर्धारित SOP का विशेष ध्यान रखें। कोरोना को हल्के से ना लें, खासकर बच्चे, बुजुर्ग और अन्य रोगों से ग्रस्त मरीज घरों से ज्यादा बाहर ना निकलें। चिकित्सा अधिकारी रामपुर डॉक्टर RK नेगी ने बताया कि शादी व अन्य समारोह में लोग सरकार द्वारा जारी मापदंडों का ध्यान नहीं रख रहे हैं, जिससे संक्रमण का खतरा बढ़ रहा है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क का सही उपयोग, हाथों को सही तरीके से धोना, इन 3 बातों का लोगों को विशेष ध्यान रखना चाहिए, तभी लोग कोरोना से बच सकते हैं। जब तक कोई दवा नहीं निकलती है। उन्होंने बताया कि रामपुर में 4000 से अधिक लोगों का मार्च से अब तक कोरोना जांच किया जा चुका है। 2 दिनों के भीतर 3 लोगों की कोरोना से मौत हुई है। रामपुर मेडिकल ब्लॉक में अभी तक अगर हम बात करें, कोविड जो टेस्ट हमने किए हैं अप्रैल के बाद से लेकर अब तक हमारे 4000 से ऊपर टेस्ट हो चुके हैं, और इन 4000 में से अब तक जो टोटल अभी तक का जो आंकड़ा है हमारा पूरा 616 जो है हमारे यहाँ पर पॉजिटिव आए हैं केसेस। 616 में से अभी जो इस वक्त है हमारे पास जो अपने घरों में आइसोलेटेड हैं वो 128 केस हैं जो एक्टिव केस चल रहे हैं, और 12 इस वक्त हमारे कोविड केयर सेंटर में चल रहे हैं। टोटल 140 हुए हैं ये जो अभी हमारे पास एक्टिव केस है 616 में से। और अभी जो हमारे अपने ब्लॉक की बात करें हम अगर यहाँ पे, तो अभी तक 3 डेथ हुई है। और जहाँ तक बात रही कि जो लोगों को अपनी प्रिकॉशंस के बारे में क्या लेना है, कि मैं यही कहना चाहूँगा कि जो गवर्नमेंट के द्वारा जो SOPs हैं, जो इन अपनी सुरक्षा के लिए जो गाइडलाइंस हैं, उसको ही पूरा फॉलो करें। 3 चीज़ें मुख्य तौर पर ध्यान रखें कि तो जब भी बाहर निकलें मास्क पहन के रखें, मास्क प्रॉपरली पहना हुआ होना चाहिए। दूसरा जो बड़ा इम्पोर्टेंट है वो है कि 2 गज की दूरी आपस में रखेंगे। और तीसरा जो है, हर बार अपना हाथ साबुन से धोएं या सैनिटाइज करें। तो 3 चीज़ें अपनाएंगे तो मुझे नहीं लगता है कि जो केसेस हैं ये पड़ेंगे, क्योंकि इस वक्त अभी जब तक इसकी कोई दवाई या कोई टीका जब तक अभी नहीं आता है, तब तक हमारे पास इसके जो इलाज है सिर्फ बचाव ही है। और ये बचाव में मुख्यतः इनको 3 चीज़ें का ध्यान रखना ज़रूरी है, और ये रखेंगे तो मुझे नहीं लगता कि कोई